बाकी रोड की सफाई। सबसे मेन मुद्दा आपके गांव का क्या है, आपके ग्रामीणों को किस तरह का विकास चाहिए, क्या परेशानी है ग्रामीणों को, सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा कौन सा है, किस पर आप विकास, किस पर आप फोकस करेंगे? हमारा मेन विकास मुद्दा है नाला जी, खड़ंजा जी, इंटरलॉकिंग नाला सबसे मेन मुद्दा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पूरे ग्राम सभा में कहीं नाला नहीं है, कहीं नाला किसी जगह नहीं, कोई बस्ती में नहीं नाला है। क्या इसके लिए आपने कार्य योजना बनाकर संबंधित ब्लॉक को दिया? कार्य योजना बना के आपने ब्लॉक को दिया। बड़े भाग से सेक्रेटरी साहब भी आपके साथ हैं, बहुत प्रधान और सेक्रेटरी एक साथ बहुत कम मिल पाते हैं, और बड़ा भाग गया, बड़ी अच्छी बात है। और बताइए आने वाले समय में क्या चाहते हैं, क्या हम विकास चाहते हैं? विकास ही चाहते हैं, मतलब जनता विकास से संतुष्ट है, आवास मिले। बहुत से गरीब जनता है उसके पास घर मकान नहीं है, हमारे कुछ जनता ऐसा है जो भूमिहीन है, उनके पास जमीन भी नहीं है। प्रधान जी, विकास के लिए तो सभी प्रधान कहते हैं कि हम ये विकास करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, जैसा कि पिछले बार देखा गया है, प्रधानों ने ऐसा किया है। एक ही शौचालय को, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी लोग यहाँ पर हैं, और क्या आप भी ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है, न ऐसा करने का कोई समस्या है। मतलब जनहित में सारे कार्य करेंगे, काम करेंगे जनहित के लिए ही। प्रधान बने हैं जनता से हाथ जोड़ के, प्रधान बने हैं जनता से, कर्तव्य बने हैं विकास के लिए ही बने हैं, जनता हमको विश्वास की जाना, इसलिए हम जनता हमको चुने हैं प्रधान जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सेक्रेटरी साहब अपना परिचय बता दें आप। नीतीश कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी। और इस समय आपको कितने गांव मिले हुए हैं? बस सिर्फ करदना मिला होगा, तो सहयोग रहेगा प्रधान जी का पूरा पूरा सहयोग रहेगा। चलिए अच्छी बात है। इस समय क्या क्या योजनाएं चल रही गांव में? हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय चल रहा है, क्या होगा नरेगा का भी काम चल रहा है, और जो पंचायत भवन बन रहा है, और बरसात में 17 तारीख तक माना जाता है खत्म हो जाएगा, तो फिर सीवर में काम हमारे यहाँ लगेगा। अच्छा, सीवर का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सारा स्कूल जो है क्या कल्प हो गया सर। प्रधान जरा बताइए, आपके गांव में बारात घर है? नहीं सर, हमारे यहाँ बारात घर नहीं है। आंगनबाड़ी की बिल्डिंग? जी सर, आंगनबाड़ी की बिल्डिंग। हमारे आंगनबाड़ी की बिल्डिंग कितनी बिल्डिंग? दो हमारे यहाँ दो बिल्डिंग है। इतने बड़े गांव में कितनी आंगनबाड़ी कार्य करती है? 13 बिल्डिंग सिर्फ दो है। और नंदघर है? नहीं सर, हमारे यहाँ नंदघर नंदघर नहीं है। नंदघर का सर्वे हुआ है, अगले सेशन में बता रहे थे। स्वच्छ जल पीने के लिए क्या है, जल निगम की टंकी है? जल निगम है, टंकी हमारे यहाँ है। तो चालू दशा में भी? चालू दशा में अच्छा है, समय से पानी हर टाइम 3 मिलता है प्रतिदिन। और आपके सफाई कर्मी? सफाई कर्मी हमारे यहाँ इस समय 3 है। तो आते हैं? हाँ, पर डे आते हैं। पंचायत भवन से लेकर प्राइमरी स्कूल छिड़काव है, सफाई है। शिक्षा के बारे में बताइए आप। शिक्षा हमारे यहाँ ठीक चल रहा है, विद्य स्कूल खुले हैं, ठीक ही चल रहा है। आज प्राथमिक स्कूल में कितने टीचर एब्सेंट थे? आज तो हम बात गए नहीं मारते सुबह से। अच्छा, घर पे ही थे। कोई आपका प्रतिनिधि नहीं देखा? नहीं, कोई नहीं। आज हम लोग टीका में थोड़ा हम लोग व्यस्त थे। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, ट्रेनिंग दी गई है? डोंगर ऑपरेट कर लेते हैं? नहीं, डोंगर अपने पास है, रखते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं कि कहीं सहारा लेना पड़ता है? नहीं नहीं, हम नहीं करते, सिर्फ मतलब हमारे सचिव का साथ में हो जाते हैं। सचिव जी से पूछते हैं। सचिव जी बताइए जरा, ये किस ग्राम के सेक्रेटरी है? ग्राम पंचायत का, जिला वाराणसी। तो डोंगर के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। डोंगर हम लोग लगाते हैं, करते हैं, पहले फिटिंग करते हैं, उसके बाद जो है खड़ी करने के बाद एक हमारा डोंगर लगता है, प्रधान जी का डोंगर लगता है, फिर। अच्छा, पहले आपका डोंगर लगेगा और फिर प्रधान जी का डोंगर लगेगा और फिर पेमेंट जो है पास हो जाएगा। और डोंगर किसके पास होना चाहिए, दोनों डोंगर किसके पास? दोनों लोग के पास अलग अलग रहता है, प्रधान जी का, प्रधान जी के पास हमारा। तो क्या ऑपरेट वो कंप्यूटर से हो सकता है या कहीं सुनिश्चित जगह पर होता है?
नहीं नहीं कंप्यूटर चूँकि अभी ग्राम पंचायत में कंप्यूटर है नहीं तो हम लोग जाके कैसे कराते हैं सारे जन सेवा केंद्र के लिए। नाम बताइए। हमारा नाम निसार अहमद। पिताजी का नाम नसरुद्दीन अंसारी। किस गांव के ग्राम प्रधान हैं? ग्राम सभा करधना ब्लॉक सेवापुरी जिला वाराणसी। जिला वाराणसी। कितने गांव की आबादी है आपके गांव? हमारा आबादी हमारे यहाँ वोट है 11,515 वोट हैं। अच्छा सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की है? सबसे ज़्यादा जाति यहाँ पटेल है। पटेल नंबर वन पर है जी। यस्सी यस्सी है दो नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है। मुसहर भी हैं इस गांव में? हाँ मुसहर है। कितनी संख्या होगी उनकी? मुसहरों की संख्या होगी तकरीबन कुल मिलाकर 150-200 है। प्रेजेंट टाइम में उनकी स्थिति क्या है? स्थिति उन लोगों का आवास मिला है, आवास बनाए अच्छे से बनाए सब लोग सबको मिला है आवास अच्छे से सब लोग आवाज भी बना लिए हैं। उन लोगों का सब कुछ बना है राशन कार्ड लेकर राशन कार्ड ही बने। बताइए। निजामुद्दीन अंसार। निजामुद्दीन किस गांव के हैं? हैं भटपुरवा। गांव का नाम गांव सभा का नाम बताइए। गांव भटपुरवा। भटपुरवा ना करधना ना ये पीछे आपका जो है घर गिरा हुआ है ऊपर भी खतरनाक है ठीक है तो किसी योजना में आपको रिपेयर कराने के लिए नहीं मिला है? नहीं। श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए हैं? अभी नहीं कहीं कराए हैं। कहे थे अगले प्रधान से कहे थे तो हमारा पक्का है कोई सुनवाई नहीं होगा। पक्का सुनवाई? हम श्रम विभाग की बात कर रहे हैं। श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन आपका है क्यों नहीं कराए आप? अभी कराए नहीं मालूम नहीं था मेरा जानकारी नहीं थी। अब करा लेंगे। करधना का ये मार्केट है। मार्केट में भिन्न भिन्न किस्म की सब्जियों की दुकान कतार से लगी हुई है और विकसित गांव करधना है।